भारतीय राजनीति के इस दिग्गज नेता से मिले सचिन तेंदुलकर, क्या लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व मास्टर ब्लास्टर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल सचिन ने हाल ही में शरद पवार से उनकी आवास सिल्वर ओक पर मुलाकात की थी। इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसके बाद लोगों कहने लगे हैं कि सचिन एनसीपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी सच्चाई कुछ और ही है। सचिन का लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। एनसीबी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक हुई और इस दौरान राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई। एनसीबी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात उन्होंने बताया कि दोनों के बीच यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक हुई और इस दौरान राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई। पार्टी के सूत्र ने बताया कि सचिन ने पुलवामा हमले के बाद विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का पक्ष लिया था, जिस पर भाजपा के समर्थकों ने उन्हें ट्रोल किया था। हालांकि शरद पवार ने सचिन का बचाव किया था और उसकी पृष्ठभूमि में यह शिष्टाचार मुलाकात हुई। पुलवामा हमले के बाद जब यह मांग उठ रही थी कि भारत को आगामी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, तब तेंदुलकर ने कहा था कि वह पाकिस्तान को बिना मैच खेले 2 अंक देने के पक्षधर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।